प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान दो तरह की समता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की। पहला, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया, यानी राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा। दूसरा, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया, यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। संविधान सबको अवसर की समानता दिए जाने की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार रहेगा, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे। यानी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी अर्हताओं को हासिल करने में भी समानता लाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर न्यायाधीश पद के लिए कुछ अर्हताएं तय हैं, जैसे LLB डिग्री व वकालत का अनुभव, तो जो कोई इन्हें प्राप्त करता है वह न्यायाधीश पद के लिए आवेदन दे सकता है। साथ ही यह शिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला है। लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है। न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता भी एक दार्शनिक अवधारणा है। हर इंसान को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शारीरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, बच्चा हो या वृद्ध, किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो, उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और सम्मान मिले और अपने मर्जी अनुसार जीवन जीने के अवसर मिले। उल्लेखनीय है कि संविधान में हर तरह की समता, खासकर आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी, ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहें और अपनी सामूहिकता को बनाए रखें, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान न हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा।